मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन इंडियन रोड रेंजर। सो दोस्तों, अब ये महीना है फरवरी 2023 और हम चल रहे हैं विंटर स्पीति बाय 4x4 स्कॉर्पियो। कौन कौन जा रहा है, कहां से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सब बातें करेंगे थोड़ी देर में। तो अभी निकलते हैं। थोड़ा सामान मैंने भी सारा रख लिया अपना, ये मेरा है पिलो जो कि मैं हर बार कैरी करता ही। पीछे अभी तक ये मेरा सामान है सारा, अभी उनका सामान आएगा। ऐसे करेंगे हिले ना बस। हाँ बस खड़ी कर दे आराम से। और भाई स्वागत है चैनल में। तुम पता नहीं रात आ रहे अभी काके। ना बढ़िया भाई। हाबी साहब रेडी? तैयारी है मेरे? ओके रिपोर्ट। और चलो बोले सोनेहा श्री अकाल। सुबह के 4:30 हो चुके हैं, अभी हम पहुंचे दिल्ली। डीजल यहीं से फुल कराएंगे। इसकी एवरेज अच्छी है, ये लैक का करती है। हमने इसमें अलॉय व्हील डाले हुए हैं और डाले हुए मोटर टायर। अगर हम इसको रखते हैं स्टॉक तो इसकी एवरेज फॉर्च्यूनर से बढ़िया है। भाई सारे सो के ही आए हैं भैया साहब। बाहर अभी एकदम धूप हुई बढ़िया, बहुत क्लैरिटी। तो पूरा फोग है, 7:30 हो रहे भाई अभी टाइम। तो भाई सर डे 1 पे भी हमने नाश्ता कर रहे हैं, सुबह 11 बज चुके हैं भाई। इतना बड़ा आलू का पराठा ना, एक से जिग्गे सारे दो अभी कहीं हम पार्टीशन गैस कर। हाँ ये पार्टीशन किया भाई। अभी चाय बढ़िया है। भाई शिमला 50 किलोमीटर दूर है और गाड़ी की जो एवरेज है ना 7-8 आ रही है पहाड़ों पे। पहली बार लेके आया हूँ, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कितने कम एवरेज देगी। शायद मैं चला रहा हूँ जोर से, है लक्की एवरेज निकालनी पड़ी भाई, तेज चला रहा गाड़ी। तो गाड़ी अब स्लो चला के एवरेज ज़्यादा निकालेंगे भाई, ऐसे तो लुट जाएंगे पोस्ते पोस्ते। ना हम इसको ढकने के लिए ना इस बार कंबल लाना भूल गए, तो अब एक दुकान पे रुके हैं। अभी शिमला यहाँ से कम 30 किलोमीटर है। ठंड आ गई भाई? यहाँ लग रही ठंड अभी होगी, अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा। सर अंदर फील नहीं हो रहा है? अंदर नहीं हो रहा बिल्कुल। हाफ मिल जाए, हाफ मिल जाए, फुल नहीं चाहिए यार। हाँ 4x4 पे अपनी पहली ट्रिप है इस बार,
और सेम जगह पे मैं दोबारा क्यों जा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो है बहुत दिक्कत आई थी मेरे को फॉर्चूनर में, इसीलिए अब हम तो ना अब गाड़ी लिए हुए मेरे को ना 2-3 महीने भाई हो चुके हैं, हाँ 2-3 महीने हो चुके गाड़ी लिए हुए। अभी ना चुल हो रही है कि 4x4 पहली बार लिए तो कहीं बस घुसा दूँ कहीं ज़बरदस्ती की, तो अभी इसको घुसाएंगे भाई ज़बरदस्ती का लेके पहाड़ों में। जो मैं हर बार डिटेल्स देता हूँ ना ब्लॉग्स में कि अब इतना रास्ता आ चुके, इतने किलोमीटर रह गए, इतने किलोमीटर आ गए, अब ये आ रहा है, अब वो आ रहा है, भाई ऐसी मैंने ऑलरेडी ये मेरा इस ये वाली जगह पे मेरा तीसरा ट्रिप है ये, तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ डालने के लिए कि इतना रह गया उतना रह गया। कितने का मिला? 250 दे मैं तेन गड्डी चो 250 का ठीक है। हाँ बस ठीक है, साढ़ा कम हो जाएगा। अच्छा ये अपना प्राइस पर पहली बार आया काका? हाँ जी बहुत मज़ा आ रहा है जी। अच्छा अपना शिमला, लेकिन शिमला 30 किलोमीटर रह गया, लेकिन शिमला अपने जाना नहीं, डायरेक्ट जाएंगे कुफरी से होते हुए नारकंडा, और जहाँ 5-6 बजे पहुंच गए वहाँ ऑटो ऑटो देख के वही स्टे कर लेंगे। चलाना यहाँ पर? हाँ बहुत चलान तो है ही ना। अच्छा तो और फिर क्या कहते हैं इसको सामने निकालेंगे, पहले आपका चलान करेंगे ना फिर सामने निकालेंगे, आपसे कराएंगे भी निकालो इसको अभी। अच्छा। इससे खरा चलान क्यों भुगतना आपने, इससे खरा पहले निकाल दो और चलान में मोटा है। चलो ये तो लोकल पुलिस वाले थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, पर आपके जो शिमला वाले ना शिमला वाले तंग करेंगे आपको, अब आप टोटल शिमला में जाएंगे ऊपर। रास्ते में रुके एक ब्रेक लिया, फोटो खींच रहे हैं यहाँ पर लक्की। ओए होए क्या पोज है भाई, देखो सही है भाई इसमें। ओए होए केड़ा फोन है जो पहले ताड़े को सी और वही है ना फोन जिन्ना मर्जी हो लेकिन खींचनी एप्पल तो ये फिर दोबारा केड़ा X50 प्रो है? नहीं 50 नहीं है, शिमला यहाँ से भी 13 किलोमीटर है। हाँ ग्लोव बॉक्स खोल रहा था पूरा ही निकल जाता है फिर लगाया मैंने ताले का। 3:15 हो गया, 3:15 अभी स्टिल शिमला जो भी 13 किलोमीटर है, थोड़ा फोटो शूट कर ले। शिमला है सीधा जाएंगे, बिल्कुल शिमला आएगा भाई, हम उड़ेंगे यहाँ से लेफ्ट नारकंडा के लिए भाई। पुलिस तो नहीं मिली भाई, जहाँ उम्मीद थी ना वहाँ मिले नहीं पुलिस वाले। अब हमने भाई कैप डाल ली, ठंड लग रही है, शीशे खोलने थे ना नीचे करने थे काले शीशे से लिए, तो भाई शिमला का जो मेन थी ना टनल छोटी सी वो हमने पार करके हम आ गए नारकंडा की तरफ जो मेन शिमला है, और उस साइड हम गए ही नहीं, हम आगे आ गए। अब एक हटल तो पार हो गया, अब आगे भाई जहाँ मिल गए तो मुझे कुछ नहीं पता कहाँ मिल सकते पुलिस वाले। अभी टाइम कितना हो गया भाई, 4 बज गए भाई, आ गया होटल ओशीन, तो पता हर बार मैं ही रुकता हूँ आके होटल ओशीन। अभी यहाँ से निकल गए भाई आगे, मैं भी स्टे लिया अभी कुफरी में, ये पहुंचे हैं बस चाय में पी रहे थे यहाँ पर। ओहो ते पाजी पिंड सौड़ा पिंड मोहाली बोलने बस मोहाली जिला। अच्छा मोहाली जिला ते इतने घूमन फिरन आए? हाँ जी हाँ जी भैया मजा आ गया। हाँ आई लव यू टू भाई आगे मानस होम स्टे। जब लास्ट टाइम हम यहाँ रुके थे भाई बहुत ज्यादा बर्फ थी, अब यहाँ से गुजर रहे हैं, टाइम हुआ भाई अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, अभी भी नारकंडा यहाँ से दिखा रहा है 11 किलोमीटर। वैसे है तो ये नारकंडा में आता है भाई, यही रूट था हमारा जो एक साल पहले हम आए थे, और हमारी हाँ यहाँ गाड़ी हमारी ऊपर चढ़ नहीं थी, हमने स्नोचन लगाई थी।
भाई हम पहुंच चुके हैं, एग्जैक्ट टाइम कितना है यार, 6:15 पहुंच चुके भाई, बिल्कुल नारकंडा पे। मेन मार्केट बंद है क्योंकि आज है भाई संडे। इतने होटल इतने पता कर लो पहले, 2-4 होटल, हाँ इतने गड्डी लगा देना, 2-4 होटल पता पता कर लो, दो बंदे चले जाओ और देख आओ। नारकंडा पहुंच गया भाई मेन, चाय मोमोस थुप्पा। यार जो सिम दा पता कर लिया, जब तक सिम दा की सीन है सिम ले लिया अपना नारकंडा से सेफर साइड पे चलने के लिए, के अगर बाई चांस हमारा नंबर ना चला दिल्ली एनसीआर का तो शायद ही वाला चल जाए। भैया एयरटेल है ना, फिर है एयरटेल की सिम? नहीं एयरटेल की सिम नहीं, एयरटेल ले लिया। लगा भी लगा बोले नाल लेके जाएगा, मैं लेके जाना भाई कुल्फी जम गई बाहर, टेम्परेचर नहीं पता भाई कितना है, लाइट एक मिनट जल जाए तो भाई लाइट जल जाओ, टेम्परेचर बाहर ये दिखाएगा नहीं दिखाएगा पर तुम्हें देख के दिखाता हूँ टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर देख लो भाई। नारकंडा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है भाई अभी इस टाइम, और रात को 2-1-0। ओहो कल स्नोफॉल भी दिखा रहा है, बारिश का स्नोफॉल होगी भाई। भाई सिर ढक लिया, 4 डिग्री है, हालत खराब हो गई। फिर हम जाएंगे सीधा होटल, होटल करेंगे भाई रिलैक्स। 6:30 हो चुके हैं, 7 बजे तक होटल तुमने घुस जाना है और रेस्ट मारना आराम से रिलैक्स, और फिर कल सुबह निकलेंगे जब हमारी जाग खुलेगी 7, 8, 9, 10 से लेट नहीं होना भाई। अभी आ रहे हैं और अब आपको सीधा जाके मिलूंगा, सीधा जाके होटल में भाई। रूम कर लिया हमने नारकंडा में, ये मेन रोड जा रही है और ये ऊपर आके अपनी गाड़ी खड़ी है, अब पता नहीं इस टाइम कितनी दिख रही होगी। और भाई अपना रूम है, रूम देखो अपना भाई, एक नंबर रूम है, एक नंबर रूम, ठीक है भैया। हाँ भैया फर्स्ट क्लास एक नंबर रूम भैया, बहुत बड़े रूम, देख लो इससे अंदर ही नहीं गया हम तो भैया। बहुत मैंने पहले बोल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, आपने कह दी कह दी, कोई बात नहीं भाई। ये है कुछ रूम अपना अंदर से, और ये वॉशरूम। भैया क्या नाम है अपने होटल का? होटल नारकंडा पैराडाइज। ना होटल नारकंडा पैराडाइज है भाई, इतना बढ़िया होटल, इतना बड़े होटल, जब भी आओ रिकमेंडेड है कभी यही रुकना है, जब भी आओ। अभी तो रूम का व्यू पता लगा भाई, तो मैं सवेरे जब यहाँ पड़ेगी सुनो, ये अपनी बालकनी है अपनी, मतलब होटल वालों की है, तो ये रोड से मैं तुमसे बात कर रहा था, ये रोड है भाई जो सीधा नारकंडा जा रही है, ये अपना होटल बाहर से, और ये अंदर से ये व्यू है अपने होटल का, एक नंबर होटल है भाई, मजा आ गया। लेकिन यहाँ तो भाई बिना हैच के ना नहीं रह सकता बंदा भाई, क्या डाल ले भाई, तुम्हें कैप नहीं है क्या, डाल कैप डाल। अब ये लक्की व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, तो वो भैया व्हाट्सएप पे मेन्यू भेज देंगे और ये व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर देगा। हाँ ये बढ़िया किया भाई, बहुत बढ़िया किया, सही किया। चलो भाई अब थोड़ा बहुत रिलैक्स होके फिर मिलते हैं, और चलो दूसरे रूम पे, हल्की सी लाइट आ रही है ऐसी। एक रूम लिया अपना, इसमें बस बालकनी नहीं, थोड़ा छोटा रूम है ये, इसमें बालकनी नहीं है। हाँ भाई काके जितो धोई दो, पानी गर्म है धोन वाला, हम तू की दिता ऑर्डर? बटर चिकन फुल, चिली चिकन फुल, अच्छा 6 बटर नान और 6 बटर रोटी, और जरा चौमिन थे मोमोज, मोमोज वगैरह मैं बता रहा हूँ 2 मिनट में आपको, है अभी नहीं। और एक 2 सूप बोले चिकन सूप, ठीक है ना, होता बाकी फिर मशरूम, मशरूम का नहीं है, मशरूम का नहीं, बाकी बात चलो बाकी अच्छा बाद में। चलो भाई और क्या भाई, तेरी ओहो सही है, चांजू ओए चांजू, बे रोटी आ गई, बटर चिकन चिल्ली पील दी, पतीले में भरा डायरेक्ट। टाइम कितना हो गया भाई, 9:18 हो गए, ये लाइट भाई सोने की बिल्कुल तैयारी है नारकंडा में, और टाइम हो चुका है इस टाइम, कितना टाइम हो गया भाई, टाइम देखे टाइम हो गया 10:30 साढ़े दस हो गए,
सो गाइस, जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।